राजनीति में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां की जनता एक बार के बाद एक बार अपने किसी जनप्रतिनिधि को उनके द्वारा चुना गया, उनका कार्यकाल अगर संतोषजनक नहीं हुआ एक बार के बाद ही उनके द्वारा उन्हें नकार दिया जाता है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर आप लगातार दूसरी बार चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से इस आशय को प्रमाणित करता है कि आपके द्वारा अपने क्षेत्र में विकास के कई ऐसे आयाम गढ़े गए हैं जो जनता के दिल में विवस्त हो चुका है और जनता ने आपको दूसरी बार मौका दिया है ताकि जो काम अधूरे रह गए हैं वो पूरा हो सके। हम बात यहां किसी और की नहीं बल्कि पलामू संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सांसद विष्णु दयाल राम की कर रहे हैं, जिनके द्वारा लगातार अपने क्षेत्र में यानी पलामू संसदीय क्षेत्र में कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जो निश्चित रूप से मील के पत्थर साबित होगा। उनके द्वारा हालिया कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो हासिल की गई है, आइए आपको हम इस खबर के जरिए बताते हैं। सांसद द्वारा अपने पिछले कार्यकाल के साथ साथ इस बार भी ऐसे अनवरत विकासीय कार्य कार्यान्वित कराए जा रहे हैं जो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। उधर अन्य विकासीय कार्यों के साथ साथ रेल परिचालन के निमित्त हासिल की गई उपलब्धियों की एक लंबी फेहरिस्त है। ताजा उपलब्धि की बात करें तो गढ़वा टाउन स्टेशन से होकर गुजरने वाले हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस का ठहराव स्टेशन पर हो इसकी मांग सालों से की जा रही थी, जिसे लेकर सांसद अनवरत प्रयासरत भी थे और लगातार कोशिश करते हुए उनके द्वारा उक्त एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मंजूरी दिलाई गई। साथ ही कल देर रात हरी झंडी दिखाते हुए ट्रेन को गढ़वा टाउन स्टेशन से रवाना किया गया। सालों से आंखों के सामने से गुजर जाने वाले ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुका और यात्री उस पर सवार हुए तो उनका आह्लादित चेहरा देखने लायक था। साथ ही सभी के द्वारा इस अभिनव कार्य के लिए सांसद को बधाई भी दी गई। उधर इस ऐतिहासिक मौके पर सांसद ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ की जनता की ये मांग थी कि हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस, अजमेर संतरागंज एक्सप्रेस और ये दोनों ट्रेनों में से कम एक ट्रेन गढ़वा जंक्शन स्टेशन पर रुकनी चाहिए, उसी के लिए प्रयास कर रहा था अभी। और रेलवे बोर्ड ने, रेल मंत्री जी ने उस निवेदन को स्वीकार किया और आज भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव गढ़वा स्टेशन पर हुआ है। इसके लिए मैं पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। झारखंड एक्सप्रेस गढ़वा के पब्लिक लोगों के ही सुविधा के लिए तो ये सब प्रयास किया जा रहा है। आपने खबर देखा, पूरी खबर आपने देखा कि रेल परिचालन के क्षेत्र में उनके द्वारा लगातार उपलब्धि हासिल की गई। कल भी जो हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन की बात हमने की, जिन्हें हरी झंडी दिखाकर गढ़वा टाउन स्टेशन से रवाना किया गया, लगातार कई सालों से मांग की जा रही थी लोगों द्वारा कि ट्रेन हमारे सामने से होकर गुजर जाता है, हमें जाना होता है उससे अपने गंतव्य तक हम सर समय पहुंच जाते अगर इस ट्रेन के ठहराव यहाँ पर हो जाता। लगातार सांसद प्रयासरत थे, प्रयास सफल हुआ, ट्रेन का ठहराव कल से शुरू हुआ। इसी तरह इस रूप में उनके द्वारा पलामू संसदीय क्षेत्र को गढ़ा जा रहा है और जो अवधि अब बहुत कम बचा है, जो काम अधूरे बचे हैं उसे वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे और ताकि पूरा करना जरूरी भी है क्योंकि उन्हें दो बार के बाद लगातार जो आगामी संसदीय चुनाव आ रहा है उसमें फिर से आकर के और हैट्रिक जो लगाना है। धन्यवाद।